ये हम कहाँ आ चुके हैं, मैं बताता हूँ कहाँ आ चुके हैं। हमारे सबसे ऊंचे मंदिर माता रानी का मंदिर जो तुंगनाथ है, शिव जी का सबसे ऊंचा मंदिर, वैसे ध्वज मंदिर है जो पड़ता है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में उत्तराखंड में, सबसे ऊंचा माता रानी का मंदिर, जयंती माता का मंदिर। तो माता रानी का नाम लेते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जय माता दी, जय माता दी। तो गाइज आज हम जा रहे हैं ध्वज के मंदिर, जैसे कि आपको मैंने वीडियो में बताया था, और हम रोड वाले रास्ते में पहुंचने वाले हैं। यहाँ हम अपनी गाड़ी लगाएंगे, यहाँ से हम ट्रैक करेंगे ध्वज के मंदिर के लिए। ध्वज का मंदिर पड़ता है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में, उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन में, और ये काफी फेमस माता का मंदिर है। और अभी जैसे कि आप जानते हैं नवरात्रि भी चल रहे हैं, तो यहाँ हम जाएंगे दर्शन करेंगे। यहाँ से पूरा व्यू दिखता है नीचे का, वो हमको दिखाएंगे आप क्या क्या व्यू दिख रहा है। और उसके बाद वहां से होते हुए ये दोस्तों एक गेट आ चुका है, दिखा दो गेट, ये मंदिर का गेट आ चुका है। तो यहाँ हम गाड़ी पार्क करके, वो वैसे आ रही है, और हमने यहाँ गाड़ी लगा दी है। यहाँ पे गाड़ी लगा के हम चलते हैं मंदिर की तरफ को। मंदिर में जाकर के आपको मिलेंगे ध्वज के मंदिर में। ध्वज के मंदिर का गेट दोस्तों ये रहा, ये गेट है, यहाँ से ट्रैक स्टार्ट है, ऊपर पहाड़ों में जाना है बादलों में, और हम मिलेंगे आपको वहीं। आप तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा बैठ गया हूँ मैं, ताकि आपको मैं डिटेल दे दूँ, बाद में ट्रैक स्टार्ट हो जाएगा। अभी हम जा रहे हैं ध्वज मंदिर, संतोषी माता का मंदिर है, यहाँ हम लोग जा रहे हैं जयंती माता का मंदिर। अभी चल रहे हैं नवरात्रे, और हम सोच रहे हैं कि यहाँ घूमा एक बार। यहाँ जाने के दो रास्ते हैं, एक है कच्ची रोड है, ट्रैक जो है वो है 1.5 किलोमीटर का ट्रैक, ये है अच्छी रोड, नीचे रोड थी बढ़िया थी, हमने रोड भी दिखाई थी आपको वीडियो में। हमने गाड़ी पार्क की है, वहाँ से हम पैदल जा रहे हैं, डिस्टेंस है 3 किलोमीटर, तो जो एक्स्ट्रा 2 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर हम चलने वाले हैं वो हम चलेंगे। वाट हमारी लगने वाली है, तो आप वीडियो में देखो कैसे हमारी वाट। अब चलते हैं आगे को, चलते चलते हम पहुँचते हैं सीधे मंदिर। जय माता दी, जो जा रहे हैं, जय माता दी। दोस्तों हम इतना आ चुके हैं, अब यहाँ से स्टार्ट है रेलिंग वाली सीढ़ियाँ, स्टार्ट स्टेयर्स स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ से सीढ़ियों में हम जाते हैं ऊपर को, मेरे लगता है मंदिर बस आने वाला है, मंदिर की घंटी की आवाज़ भी आने लगी है, तो खुद ही एनर्जी से आ गई है। अभी तक हम थक चुके थे, हमारी सांसें फूल रही थी, वीडियो हम सुन भी रहेंगे सांसें फूल रही थी हमारी, और अब हमें आ चुकी है एनर्जी। हम चलते हैं बिल्कुल रेलिंग के सहारे ऊपर मंदिर पे, मंदिर दिखाते हैं आपको कैसा है। जयंती माता की जय हो, माता रानी की कृपा पे बने रहे, फिर मंदिर मिलते हैं। शिव जी का मंदिर है, उसका थोड़ा और चढ़ाइए, फिर माता जी का मंदिर है। ध्वज, ध्वज का मतलब मुझे रास्ते में किसने बताया, इसका मतलब है टॉप, तो ये है सबसे ऊंचा टॉप उत्तराखंड के इस रीजन का, इस इलाके का, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट का। जी का मंदिर है, बम बम भोले, ओम नमः शिवाय, हर महादेव। और एक गेट है यहाँ से, और ऊपर ट्रैक करना है हमें, यहाँ पे एक झूला भी दोस्तों। तो दोस्तों ये है मंदिर, तो दोस्तों ये देखो मंदिर आ चुका है। जय माँ भवानी, पंडित जी दिख रहे हैं सामने आपको, कोई बाबा है या पंडित जी है, और यह मंदिर बिल्कुल पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों यह है भगवती माता का मंदिर, बजरंग बली हनुमान, जय माता जी। और ये माता जी का मंदिर है, मूर्ति अंदर आपको दिखाया था, जय माता दी। एक और माता का मंदिर ये है, और एक और माता का मंदिर ये है, जय माता दी। दोस्तों कैमरे में मैं बता नहीं सकता आप कितना डेप्थ है, या कितनी अच्छी फीलिंग आ रही है, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ देख करके। ये तो आपको अगर एक्सपीरियंस करना तो यहाँ आना ही पड़ेगा, और यहाँ आप जरूर आइए दोस्तों। काफ़ी ऊंचा मंदिर है, तुंगनाथ शिव जी का ऊंचा मंदिर है, ध्वज, जयंती माता का, संतोषी माता का, माता रानी का, बहुत ऊंचा मंदिर है उत्तराखंड में ही। तो दोस्तों मंदिर के दर्शन हो चुके हैं, हवा चल रही जबरदस्त, मज़ा आ गया, बहुत दर्शन हो चुके हैं, बहुत ही अच्छा लगा मुझे तो, मज़ा आ गया, अद्भुत था। बैठने बहुत पीसफुल था, लोग भी बहुत कम थे, भीड़ बहुत कम थी, मस्त था बैठने के लिए, बैठ सकते हो, ध्यान लगा सकते हो। ट्रैक इतना हार्ड था मगर वर्थ था, यहाँ आप आए मज़ा आ गया। और ये मंदिर की एंट्री थी, अब हम बाहर जा रहे हैं, यहाँ में जूते खोले थे, जूते पहन लेते हैं, और इतनी अच्छी हवा चली दोस्तों, बहुत मज़ा आ रहा है, आप बैठ सकते हैं और टाइम मैं, क्योंकि हमारा रास्ता भी लंबा है, मैं दूर जा रहा है हमारे गाँव में, और बारिश होने के चांस भी, क्योंकि बादल आ चुके हैं आप देख रहे हो,
तो अगर बारिश होती तो हमें दिक्कत हो जाएगी, इसलिए हम चाह रहे हैं कि हम निकल जाएं जल्दी से। तो दोस्तों नीचे चलते हैं फटाफट भागते हुए हम, और चलते हैं घर की तरफ को। इस वीडियो को आपने यहाँ तक देखा है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का सपोर्ट ऐसे बना रहना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। ऐसे और वीडियो आने वाले हैं, बहुत सारे मंदिर हम जाने वाले हैं, बहुत वीडियो आएंगे ऐसी। तुंगनाथ है उस में, केदारनाथ भगवान का मंदिर है, बद्रीनाथ भगवान का मंदिर है, बहुत सारे मंदिर हैं। तो दोस्तों थैंक यू सो मच। और हाँ, ये था ध्वज मंदिर जो सबसे ऊंचा मंदिर है माता रानी का, ये तुंगनाथ मंदिर है, शिव जी का ऊंचा मंदिर, वैसे माता रानी का ऊंचा मंदिर है ध्वज। तो आज हमने आपको दिखाया है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप कमेंट करिए, आप क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, क्या हम इम्प्रूव कर सकते हैं बताइए कमेंट करिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए,